थाना हसनपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र खरीद फरोख करने वाले 6 अभियुक्त किए गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा की कड़ी कार्यवाही पर थाना हसनपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र की खरीद फरोख करने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जनपद अमरोहा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में हुई प्रेस वार्ता में अवैध शस्त्रों का खरीद फरोख करने वाले 6 अभियुक्तों अमर सिंह पुत्र नंदराम निवासी ग्राम शाहपुर कला हसनपुर, कुलदीप नागर पुत्र महाराज सिंह निवासी ग्राम सिरसा गुर्जर थाना हसनपुर, अंकित पुत्र सूरज निवासी ग्राम चकनवाला थाना गजरौला, बबलू पुत्र अमीर जान निवासी ग्राम बाग गुलाब राय थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद, जावेद पुत्र रियासत अली निवासी मोहल्ला कुरान निकट मदीना मस्जिद मुरादाबाद, इलियास पुत्र जमीर अहमद निवासी पीरजादा थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को भीमा ठीकरी गंगानगर के जंगल से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में कारतूस 315 बोर अवैध तमंचा व चाकू तथा कारतूस बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह मुरादाबाद के इलियास के संपर्क में रहते हैं। इलियास थाना कटघर जिला मुरादाबाद का प्रचलित हिस्ट्री शीटर है तथा पूर्ण में अवैध कारतूस और शस्त्रों की तस्करी में कई बार जेल जा चुका है। बताइए जो आज खुलासा हुआ है कि थाना हसनपुर की टीम और एसओजी टीम ने मिलकर ये अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो कि हमारे रेंज और जोन में एडीजी महोदय आईजी महोदय के निर्देशानुसार चल रहे अवैध शस्त्रों के विरुद्ध अभियान में एक प्रक्रिया है। इसमें आज हमने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 310 कारतूस मिले हैं और 3 तमंचे मिले हैं, 2 चाकू मिले हैं, अन्य सामग्री मिली है जिसमें कि पीतल की रॉड है, रंग की छड़ है, हथौड़ी है, छेनी है और अन्य सामान है, गंधक है, जिससे कि ये देसी कारतूस निर्मित करते थे। ये कारतूस ये जो बर्तन बनाने की मशीनें हैं उनके ऊपर ये बनाया करते थे और इनमें से 3 अभियुक्त 6 में से ऐसे हैं जो इसमें विशेष दक्षता रखते हैं और पूर्व में भी ये अवैध कारतूसों के साथ बराबर पकड़े गए हैं, जेल गए हैं। पूरी टीम जिन्होंने पकड़ा है उनको 10,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जा रहा है और इनके अन्य साथियों की जानकारी कर आगे कार्रवाई की जा रही है।